नाज़रीन, आपने सीमेंट और बजरी से बना कमरा तो देखा होगा, मगर हम आपको दिखाते हैं नमक का कमरा। कराची में फूड एग्री एक्सपो में नमक का कमरा तवज्जो का मरकज बन गया है। हमारे नुमाइंदे शुएब शाहरम उस कमरे में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी शुएब। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान की पहली फूड एग्रीकल्चर एक्सपो में। हमने देखा है कि ये जो है सॉल्ट का कमरा हमने देखा है यहाँ पे। जैसा कि हमारा कैमरामैन अगर आपको दिखाए कि इस कमरे की जो है तमाम दीवारें जो है ये सॉल्ट की ईंटों से बनी हुई हैं, नमक की ईंटों से हैं। इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं लसबिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर और सॉल्ट के शोबे से वाबस्ता जो है एक्सपोर्टर हैं, टॉप एक्सपोर्टर इस्माइल सत्तार साहब। हम इनसे पूछते हैं कि ये कमरा इन्होंने किस तरह बनाया और इस कमरे के बारे में क्या मुनफरद बात है। जी इस्माइल साहब, बताइएगा। जी, ये कमरा पूरी दुनिया में हम बनाते हैं और काफ़ी अरसे से बनाते हुए आ रहे हैं और ये कहलाता है स्पीलियोथेरेपी। तो अगर ये कमरा नमक के बजाय किसी और मटेरियल का होगा, आम दीवार होगा, तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए इसको पूरा सॉल्ट का एनवायरनमेंट देते हैं। तो जो सॉल्ट के फ्यूम्स आते हैं जब आप उसको इनहेल करते हैं तो आपकी थेरेपी होती है। ये जो ख़ास तौर पर जिनको दमे की शिकायत है या ख्वातीन जिनको स्किन में इश्यूज़ हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी थेरेपी है और अल्टरनेट थेरेपी है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जी, जैसे इन्होंने बताया कि ये कमरा जो है एक तो उम्र के प्रोसेस को जो है वो स्लो करता है और दमे के लिए जो है मुनफरद है। जी।